सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवरिंग स्टोरीज। आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 अब होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि 4 अगस्त 2022 को चाइना ने ताइवान के ऊपर 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके। वो ताइवान के अंदर जाकर तो नहीं गिरे, लेकिन सारे के सारे ताइवान के आसपास गिरे। और चाइना ने इसको लाइव फायर ट्रेनिंग मिशन का नाम दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने तो मिसाइल्स की टेस्टिंग करने के लिए फेंके हैं मिसाइल्स। और इन मिसाइल्स का इफेक्ट जापान के इकोनॉमिक जोन पे भी हुआ। अब चाइना ने ऐसा किया क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। और अमेरिका ताइवान को बचाना क्यों चाहता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी आई ताइवान, जिसके ऊपर चाइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और चाइना ने पेलोसी के प्लेन को मार गिराने तक की धमकी भी दी थी। और फोन कॉल के ऊपर चाइना के प्रेसिडेंट ने यूएस के प्रेसिडेंट को कहा कि वॉशिंगटन, ताइवान की वजह से आग के साथ मत खेलना। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने कोइमोए आइलैंड के ऊपर अपनी नेवी तैनात कर दी है। और कोइमोए आइलैंड ताइवान से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। और अपनी हाई स्पीड ट्रेन्स के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स को भी बॉर्डर पे पहुंचाना शुरू कर दी है। और चाइना के 10 वॉरशिप्स भी जो हैं वो कोइमोए आइलैंड के ऊपर तैनात हैं। और जिसके जवाब में अमेरिका ने अपने 4 वॉरशिप्स ताइवान की तरफ रवाना कर दिए हैं। अब ये जानते हैं कि एक छोटे से आइलैंड ताइवान के लिए अमेरिका क्यों आगे आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ताइवान की एक कंपनी है TSMC, वो 90% सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो पूरी दुनिया को देती है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या हैं, ये समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है ना, वो सारी की सारी लो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज होती हैं। लो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, माइक, कैमरा, रिमोट, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, LCD, रेफ्रिजरेटर, और यहाँ तक के ATM, वीज़ा और मास्टर कार्ड पे भी यूज़ होती है। जहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर नज़र आए ना, समझ जाइएगा सिलिकॉन चिप यूज़ हुई है यहाँ पे। और रेवेन्यू के हिसाब से 66% मार्केट शेयर ताइवान का है। यानी कि अगर पूरी दुनिया के अंदर ये चिप्स $100 अरब की सेल हो रही है ना, तो $66 अरब ताइवान को जाता है। अब चाइना इन चिप्स की खातिर ताइवान पे क्यों हमला करना चाहता है, ये समझ लेते हैं। कस्टमर्स है ना, उसमें गूगल, एप्पल, क्वालकॉम, फोर्ड, इंटेल, AMD और NVIDIA तक शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनीज अमेरिका की हैं। और अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो जाहिर सी बात है वो TSMC के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। और TSMC के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि गूगल, एप्पल, फोर्ड, इंटेल, AMD और NVIDIA को चिप्स तब मिलेंगी जब वो चाइना चाहेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि चाइना किस तरह कंप्यूटर इंडस्ट्री के ऊपर भी जो है वो अपना हाथ जमा लेगा। तो देखिए, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना, बेस्ट प्रोसेसर कंपनी फॉर PC, तो बेस्ट प्रोसेसर के नाम आते हैं जिसके अंदर सारे प्रोसेसर या तो इंटेल के हैं या फिर AMD के हैं। और इंटेल और AMD दोनों ही जो है वो TSMC की कस्टमर्स हैं। तो जब चाइना TSMC के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो फिर वो चाहेगा तो इंटेल को और AMD को सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक देगा। और जब सप्लाई रोक देगा, कंप्यूटर में प्रोसेसर ही नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर चलेगा कैसे। और जब सप्लाई रोक देगा, तो वो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स की इंडस्ट्री के ऊपर हाथ जमा लेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मोबाइल फोन के प्रोसेसर की बात की जाए ना, तो या तो एप्पल बनाता है या फिर MediaTek बनाता है या फिर क्वालकॉम बनाता है। और MediaTek तो है ही ताइवान की कंपनी, और क्वालकॉम अमेरिकन कंपनी है, लेकिन वो कस्टमर है TSMC के। तो यानी कि जब चाइना TSMC के ऊपर कब्जा जमा लेगा, तो वो क्वालकॉम को अपनी सप्लाई बंद कर देगा, तो चाइना उसके ऊपर भी कब्जा कर लेगा। और फिर पूरी दुनिया MediaTek से ही अपने प्रोसेसर्स खरीदा करेगी एंड्रॉइड फोन के लिए। और एंड्रॉइड का एक कॉम्पिटिटर है जो है आईफोन, वो भी TSMC का कस्टमर है। तो अगर चाइना उन्हें सप्लाई बंद कर दे, तो फिर सेमीकंडक्टर के बिना वो अपना मोबाइल फोन बना ही नहीं पाएंगे। और एप्पल को बाकी के कंट्रीज से जो चिप्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में और उस क्वालिटी के साथ
नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि TSMC इतनी ज्यादा क्वालिटी वाली चिप्स देती है कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज जो है वो TSMC से ही लेती हैं, और दुनिया की 90% चिप्स जो है वो पूरी दुनिया को TSMC देती है। तो यानी कि चाइना की जो इंडस्ट्री है वो 90% हो जाएगी चिप्स की प्रोडक्शन के अंदर, और बाकी पूरी दुनिया की मिला के 10% होगी। और जब चाइना मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंडस्ट्री के ऊपर अपना हाथ जमा लेगा तो इस तरह चाइना टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऊपर अपना हाथ जमा लेगा। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को बचाना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नेवी को मूव करा दिया है ताइवान की तरफ। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो अगर इन दोनों में जंग होती है तो वो एक न्यूक्लियर वॉर होगी। और ये सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच नहीं होगी, बल्कि रशिया भी जो है वो यहाँ पे चाइना का साथ दे रहा है। उसकी वजह ये है कि रशिया और चाइना पहले से ही दोस्त हैं, क्योंकि दोनों अमेरिका के खिलाफ हैं और दोनों कब्जा माफिया हैं, यानी कि दोनों किसी ना किसी कंट्री को इन्वेड करना चाहते हैं। जैसे चाइना ताइवान को इन्वेड करना चाहता है, वैसे ही रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है। जैसे ताइवान की इन्वेजन में अमेरिका जो है वो चाइना के सामने खड़ा हुआ है, वैसे ही यूक्रेन की इन्वेजन में अमेरिका रशिया के सामने खड़ा हुआ है और वो हथियार दे रहा है यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर भारी पड़ रहा है। और वर्ल्ड वॉर 3 और 4 के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कौन कौन से वेपन्स के साथ लड़ी जाएगी, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 4 हुई तो वो लकड़ियों से, डंडियों से और पत्थरों से लड़ी जाएगी, क्योंकि दुनिया इतनी ज़्यादा तबाह हो चुकी होगी और इतनी ज़्यादा पीछे जा चुकी होगी कि हम सारे लोग पत्थर के ज़माने में जा चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा और हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और बाकी जैसे जैसे मुझे इसके बारे में मज़ीद अपडेट्स मिलते जाएंगे, वैसे ही मैं आपको अपडेटेड रखने के लिए इस बारे में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा होता है करेंटली, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। इससे पहले भी जो करेंट अफेयर्स हुए हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।